बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहु तआला से दुआ है कि हम सबको अपनी ज़बान में रखें। आज हम बना रहे हैं बच्चों के फेवरेट डोनट्स। इसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया और इसको स्ट्रेनर से हमने छान लिया, स्ट्रेन कर लिया। ये 1/4 कप हमने नीम गर्म पानी लिया है और ये 1/4 कप नीम गर्म दूध इसमें शामिल कर दिया और इसको हमने साइड पर रख लेना। ये देखिए, यह हमने चीनी को पीस लिया और 3 टेबल स्पून हमने पीसी चीनी शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1, 2, 3। ये 2 चुटकी नमक, ऑयल हमने 3 टेबल स्पून शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1, 2, 3। 1 अदद अंडा शामिल करना है। एक टीस्पून इसका शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसके अंदर दूध और पानी वाला मिक्सर शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा शामिल करें और साथ साथ मिक्स करते जाएं। अब ये चम्मच को छोड़ के तो हमें हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डो जो हमारी है, डो नरम बनानी है। हमारी डो जितनी नरम बनेगी, डोनट्स भी इतने ही सॉफ्ट होंगे, नरम बनेंगे। ये इसको थोड़ा सा गूंद लें, 2 से 3 मिनट अच्छा सा गूंद लें इसे। ये बाउल को ग्रीस कर लें ऑयल से। अब इसको कवर करके तो हमने 1 घंटे के लिए रख देना है, या इतनी देर रखने कि हमारी ये जो डो है ये डबल हो जाए। अब इसको हम बेल रहे हैं। डोनट्स की जो रोटी है वो ज़्यादा हमने बारीक नहीं करनी, थोड़ी मोटी बेलनी है। ये देखें, इसके हमने डोनट्स की मोटी रोटी बेलनी है ताकि हमारे डोनट्स अच्छे से फूलें। ये कोई बोतल का कटर लेके उसके साथ कट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये है कितनी प्यारी हमने डोनट की शेप काट ली है। इसके लिए हमने ये कटर ढक्कन यूज़ किया और एक छोटा ढक्कन। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप डोनट कटर से आसानी से इसकी शेप बना सकते हैं। ऐसे ही हम सारे डोनट्स रेडी करते हैं, फिर इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। ये ऑयल को ज़्यादा भी नहीं गर्म करना, इतनी हीट होनी चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें पकें, एकदम इनका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखिए, ये प्लेट में मैदा डस्ट करके तो सारे डोनट्स हमने इसके अंदर रखे हैं। मैदा इसलिए डस्ट किया ताकि वो प्लेट के साथ चिपक ना जाए और आसानी से। इनको हल्की आंच पे पकाना है। ये देखिए, अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो एकदम इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए बिल्कुल हल्की आंच पे इनको पकाना है। अगर लो से मीडियम है ना, लो से मीडियम फ्लेम हो। ये देखें, इनकी साइड हमने चेंज कर दी है। ये देखिए, लाइट गोल्डन से हो गए। इनका कलर थोड़ा सा डार्क करना है हमने। ये देखिए, डोनट्स हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं, ग्लेज की कोटिंग। ये देखिए, ये चॉकलेट वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे डोनट्स रेडी हो गए हैं। ये देखें, ये कितने सॉफ्ट और फ्लफी से हैं। ये देखें, ये कितनी अच्छी इनकी डो राइस हुई है। ये बहुत मज़े की और बहुत यम्मी बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।